रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम, यूसुफ रज़ा इज़ हियर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल दैट इज़ द साइनोबैक्टीरिया, और हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द किंगडम प्रोकैरियोट। तो किंगडम प्रोकैरियोट के अंदर हमारे पास एक आर्टिकल है, दैट इज़ द साइनोबैक्टीरिया। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए तो साइनोबैक्टीरिया को हम लिटरली पहले इसका एक मीनिंग हुआ करता था, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्जी। हम इसे ब्लू ग्रीन एल्जी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्जी हैं बड़े, और दे आर द ट्रू ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये एक ट्रू ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। ऑटोट्रॉफिक इस वजह से क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनके पास बेसिकली मौजूद है बड़ा, इस वजह से ये अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से एक सिंपली हमने एक साइनोबैक्टीरिया जो है इसके जर्नली एक डायग्राम को दिखाया है। तो इसकी इस पूरी इस तरह से ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह से एक तस्बी के दाने होते हैं, इस तरह से इस पूरी चेन को, इस पूरे जो है हम ओवरऑल चेन को एक नाम देते हैं। इसी तरह इसके अंदर मौजूद जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इसके मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किस तरीके से फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है बड़ा, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्जी भी बुलाते थे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्जी। आई विल प्रूव दैट कि किस तरह से ये ब्लू ग्रीन एल्जी हैं, हम इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। दूसरी बात ये है, दे आर ट्रू प्रोकैरियोट्स, ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं, ट्रू ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं बड़े, अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं। डायमीटर के हवाले से बात करें तो 1 to 10 माइक्रोमीटर जो है वो इनका डायमीटर। अब इस तरह इसकी ये जो पूरी चेन है, इस तरह से ये जो बीट लाइक स्ट्रक्चर ये जा रहे हैं, इस पूरी चेन को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइकोम, ठीक है। इसे हम किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकोम। ये इसकी जो पूरी चेन है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइकोम, इसे ट्राइकोम का नाम देते हैं इस पूरी चेन को। तो ये इस तरह से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म कर रहा होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस पूरी चेन के अंदर जो है स्मॉल से बीडेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं बड़े, लाइक ये ब्लैक कलर के अंदर इंडिकेट किए गए हैं, लाइक दिस वन, ये इस तरह से इतने भी बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया बेसिकली हार्मोगोनिया या हार्मोगोनियम कहलाते हैं ये जो अंदर बीडेड लाइक स्ट्रक्चर जो है मौजूद है बड़े, तस्बी के दाने की तरह से। तो किस तरह से ये हार्मोगोनिया एक सिंपल अकेला भी है, और अगर हम इसको जो है क्या कर लें कि सिंगुलर भी कह सकते हैं, प्लूरल भी होते हैं, मतलब ये है कि इस तरह से ये जो अंदर जितने भी बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन बीडेड लाइक स्ट्रक्चर को हार्मोगोनिया या हार्मोगोनियम का नाम देते हैं। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी ये हो सकते हैं। इसी तरह नॉर्मल जो है ये, अगर साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए तो ये ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वॉल इनके पास मौजूद होती है। जिस तरह हम ग्राम नेगेटिव के अंदर डिस्कस किया था कि ग्राम नेगेटिव में किस तरीके से सेल वॉल की जो है वो प्रेजेंस है पड़ी, किस तरह से उनके अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद है पड़ा, तो इनकी सेल वॉल में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ग्राम नेगेटिव टाइप जैसे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है पड़े। अगला इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लैक करते हैं फ्लैजेला को, इनके पास जो फ्लैजेला है वो बेसिकली मौजूद नहीं होता। जब फ्लैजेला मौजूद नहीं होता तो ये किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। तो इनमें मूवमेंट जो है वो दो तरीकों से देखी गई है, एक तो इनके पास मौजूद होते हैं बड़े गैस वेसिकल्स, ठीक है। इनके पास एक चीज कौन सी है मौजूद, गैस वेसिकल्स हैं बड़े। गैस वेसिकल्स के अंदर जो है वो गैस फिल हो जाती है, जिसकी वजह से आसानी से इनकी बॉडी हल्की सी हो जाती है, पानी के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं। और कुछ इसकी स्पीशीज ऐसी हैं, ये पूरी की पूरी चेन जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू क्या करती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू बेसिकली ये मूव कर सकते हैं। तो ये दो तरह की इनमें स्पेशली मूवमेंट देखी गई हैं, फ्लैजेला के लैक हो जाने की वजह से, या फिर तो ये इस वजह से गैस वेसिकल की वजह से मूव कर सकते हैं। लैक फ्लैजेला, इनमें फ्लैजेला नहीं है,
जिसकी वजह से इनमें दो तरह की मूवमेंट्स है, पढ़ी लो, दो तरह की मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज द गैस वेसिकल, इसके थ्रू, और सेकंड वन इज द ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू जो है ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को मूव करा सकते हैं। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आगे चल के बात करते हैं इसके, एक ये जो स्ट्रक्चर है, एक अगर हम सिर्फ इस एक की बात करें, हमने सिर्फ इस एक सिंपल से स्ट्रक्चर को यहाँ पर इधर जो है वो ड्रा किया है। अगर हम इसे देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है, ये किस तरीके से ये मौजूद होता है, ठीक है। सबसे बाहर वही सेल वॉल मौजूद है पड़ी, सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड। सबसे बाहर इसके सेल वॉल मौजूद है पड़ी, उसके अंदर डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद है इसके सेल वॉल के बाहर अगर हम बात करें तो एक म्यूसिलेजिनस कोट मौजूद होता है, बड़ा म्यूसिलेज सा बना हुआ, लेसदार मादे सा होता है, उसका बना हुआ एक कोट मौजूद होता है, बड़ा जेलेटेनियस कोट हम उसे नाम देते हैं, या म्यूसिलेजिनस कोट का नाम देते हैं। इस तरह से इनकी बॉडी के बाहर भी मौजूद होता है बड़ा, इस तरह से इनकी बॉडी के बाहर इस तरह से एक कोट मौजूद है बड़ा, जिसने इसको यूं कवर किया हुआ है, म्यूसिलेजिनस कोट या जेलेटेनियस कोट जो है ये मौजूद है बड़ा। इस तरह से इसने इसकी बॉडी को यूं कवर किया हुआ होता है, इस म्यूसिलेजिनस कोट ने। ये बेसिकली इसके पास बाहर से म्यूसिलेजिनस कोट है, या फिर हम इसे नाम देते हैं दैट इज आल्सो पार्ट एज जेलेटेनियस कोट है बड़ा, ये इसकी बॉडी के बाहर है बड़ा, जो कि इसको क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है, ठीक है, इसको बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, म्यूसिलेजिनस कोट, या फिर हम इसे कहते हैं जेलेटेनियस कोट, ठीक है। तो ये इसके बाहर मौजूद है बड़ा। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, सेल के अंदर की बात करें, तो इनके सेल के अंदर डीएनए मौजूद है बड़ा। डीएनए के अलावा इनमें यह है कि फोटोसिंथेटिक लैमिना मौजूद है बड़ा, ठीक है। जिस तरह से नॉर्मली प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की मदद से वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि बैक्टीरिया लैक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, बैक्टीरिया के पास ये ऑर्गेनेल्स नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो इनमें इस तरह से ये इंडिकेटिंग विद दिस ब्लू कलर में दिखाई गई है, इस तरह से एक मेम्ब्रेन है बड़ी, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, फोटोसिंथेटिक लैमिना, या हम यूं कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन मौजूद है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको इस वजह हाईलाइट कर रहा हूँ कि इनके पास कौन सी चीज मौजूद है बड़ी, इनके पास है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, या हम यूं कह लें कि फोटोसिंथेटिक लैमिना मौजूद है बड़ी। इस तरह से वो लैमिना इनके पास, इनके सेल के अंदर इस तरह से वो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन इस तरह से लगी हुई है, इस तरह से लाइक दिस वन, बहुत सारी अंदर मेम्ब्रेन है। अब उनके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद है बड़ी, जिस तरह प्लांट्स के पास है, इस मेम्ब्रेन के पास सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन जो है इसके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है इनके पास है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मौजूद है, लेकिन कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए मौजूद है। और दूसरे नंबर पे इनके पास फोटोसिस्टम भी मौजूद है बड़ा, फोटोसिस्टम भी मौजूद है बड़ा, और फोटोसिस्टम कौन सा मौजूद है बड़ा, फोटोसिस्टम टू मौजूद है बड़ा। इनके पास सबसे पहली चीज की क्लोरोफिल ए मौजूद है, जिस तरह प्लांट्स के पास होता है, और इनके पास क्या है, फोटोसिस्टम टू मौजूद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, ठीक है। और ये दोनों कहां पर लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं, ये दोनों चीजें, बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट एट दिस पॉइंट, ये दोनों की दोनों चीजें ये यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों चीजें इस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन या फोटोसिंथेटिक लैमेला, और क्लोरोफिल ए और फोटोसिस्टम टू ये दोनों इसके ऊपर लगे हुए, इसी के ऊपर मौजूद है। अब देखें हम आगे इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि क्लोरोफिल एंड फोटोसिस्टम टू ये जो है दैट इज प्रेजेंट, ये इनके पास मौजूद है बड़ा, ये इनके पास है बड़ा, ये दो चीजें इसके पास हैं, प्लांट लाइक है। दूसरी चीज, ये यूज करते हैं H2O को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर H2O को यूज करते हैं, और आगे लिब्रेट करते हैं जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, और नतीजे के तौर पर O2 को जो है ये क्या कर रहे होते हैं, लिब्रेट कर रहे होते हैं, हम या हम ये कहते हैं जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज आगे बना रहे होते हैं। याद रखें, इंपॉर्टेंट MCQs है, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन,
कि ये H2O को क्या कर रहे होते हैं, ये H2O को यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जिसमें हम सिंपली जो है वो इस तरह से कहते हैं कि ये H2O है प्लस CO2 है और अल्टीमेटली जो है वो रिएक्शन से ग्लूकोज बनना है और सिंपली ऑक्सीजन, तो ये H2O को यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर यूज करते हैं और उससे लिबरेट करते हैं किस चीज को, ऑक्सीजन को, ये दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और इसके अलावा इनके पास फाइकोबिलेंस मौजूद हैं, पढ़े फाइकोबिलेंस जो है दीज आर कॉल्ड एज द एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ये कुछ पिगमेंट्स मौजूद हैं, पढ़े कैरोटीनॉइड्स है, तो प्लांट्स के पास जो मेन पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल ए है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा जो इजाफी पिगमेंट्स मौजूद हैं लाइक क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स, तो इनके पास भी देखें क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ए जो इनके पास है पड़ा, उसके अलावा फाइकोबिलेंस है, फाइकोबिलेंस आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, वो एक एक्सेसरी पिगमेंट है, इजाफी पिगमेंट्स मौजूद है पड़े। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए means क्लोरोफिल ए गैस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला चीज, मतलब क्या चीज जो अभी हमने डिस्कस की, फोटोसिस्टम टू, ठीक है, ये दो चीजें होंगी ना, क्लोरोफिल ए और फोटोसिस्टम। देखें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए, और इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम जानते हैं फोटोसिस्टम टू, तो ये दोनों चीजें इस मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई, ठीक है। मैंने पहले ये बात की कि फोटोसिंथेटिक ये जो मेम्ब्रेन है फोटोसिंथेसिस के लिए मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल ए भी है, ये यूं कह रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर इट कंटेन क्लोरोफिल ए, इसके पास क्लोरोफिल ए भी है और प्लस इसने फोटोसिस्टम टू भी साथ रखा हुआ, और साथ प्लस ये एक और चीज इनके ऊपर यूं लगी होती है, These are small molecules, small bodies that are also called as, जिन्हें हम नाम देते हैं, that is called as phycobilisomes. That are called as phycobilisomes. तो phycobilisomes भी मौजूद होते हैं, छोटे छोटे components हैं granular से दानेदार जो कि यहाँ पर दिखाए गए, ये photosynthetic lamella उसके ऊपर ये black black से जो है ये दिखाए गए, that are phycobilisomes, ये मौजूद है। अब याद रखें इनमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल ये फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास मेम्ब्रेन है दिस वन, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर तीन चीजें मौजूद हैं बड़ी, कौन सी तीन चीजें, एक तो क्लोरोफिल ए मौजूद है बड़ा, दूसरा इनके पास फोटोसिस्टम टू मौजूद है बड़ा, तीसरे नंबर पे इनके पास क्या मौजूद है बड़ा, इनके पास है फाइकोबिलिसोम्स, ये स्पेसिफिक बॉडीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में, इन्हें हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फाइकोबिलिसोम्स, ये स्पेसिफिक जो है वो ग्रैन्यूल्स से हैं, इन्हें हम नाम देते हैं, दीज आर स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे मौजूद हैं पड़े और ये हेल्पफुल रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं पड़े, ये तीनों चीजें यहाँ पर जो कि यहाँ पर मैंने बताया, और इनके पास जो एक्सेसरी पिगमेंट है, जो इजाफी पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फाइकोसायानिन, ये ब्लू कलर का एक पिगमेंट होता है, ठीक है, ये किस कलर का पिगमेंट है, ब्लू कलर का। अब आए जरा एक और इंपॉर्टेंट बात, वो यूं है, देखें फाइकोसायानिन ब्लू कलर का है, ठीक है, क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर का है, जिसकी वजह से देखें क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर का और फाइकोसायानिन ब्लू कलर का, उस ब्लू और ग्रीन की वजह से इन्हें कहा जाता था ब्लू ग्रीन एल्जी, क्लियर, ब्लू ग्रीन एल्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए भी है पड़ा और फाइकोसायानिन ब्लू कलर का पिगमेंट भी है पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्जी, क्लियर। उसके बाद है इनके पास ग्लाइकोजन, ये बेसिकली रिजर्व फूड मटेरियल है पड़ा, रिजर्व फूड मटेरियल, ये रिजर्व फूड मटेरियल इनके पास हमेशा, ये जो फूड है उसे स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसे क्या कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं,
ठीक है, इस तरह से ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन्होंने इस मटेरियल को क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें डिस्कस करनी है, वो ये है कि इनके पास ये जो स्ट्रक्चर्स बेसिकली यहाँ पे ये मौजूद हैं बड़े, इनमें ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट, इन्हें हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट का, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान बन जाते हैं, थिक वॉल से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर थिक वॉल, ये क्या होते हैं, थिक वॉल से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े, और अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये बनते हैं ताकि ये अपने सर्वाइवल को जो है वो पॉसिबल कर सके, ये सर्वाइव कर सके। इसी तरह से यहाँ पर ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड एज एकाइनीड्स, ठीक है, इन्हें हम नाम देते हैं दीज आर एकाइनीड्स। और ये जो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो छोटे छोटे से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्मोगोनिया, हॉर्मोगोनिया हम इसे नाम देते हैं, दैट इज द हॉर्मोगोनिया, ठीक है। तो हार्मोगोनिया ये बीडेड लाइक स्ट्रक्चर, और थिक वॉल स्ट्रक्चर जो है हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट कब बन रहे हैं, ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल, ये अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान जो है कौन चीजें बन रही होती हैं, हेट्रोसिस्ट बन रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एकाइनीड्स बन जाते हैं, दीज आर मोटाइल सेल्स, ये मोटाइल से होते हैं बड़े, ये भी जो है वो थिक वॉल से होते हैं, और ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान बनते हैं, लेकिन इनमें जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा थिक वॉल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा थिक सा जो है वो हमें नजर आता है। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।